हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कैरियर ग्लोज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टरेट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके अलावा टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से निकाला गया ये ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की तरफ से निकाला गया ये ऑफिशियल नोटिस है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख पाएंगे 29/10/2022 से लेकर 17/11/2022 तक ये रिक्रूटमेंट चलने वाला है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट रहेगा 29/10 से आप जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 17/11/2022 इसमें लास्ट डेट रहेगी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। December 2022 में आपका यहाँ पे जो रहेगा वो फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए। एंड January 2023 में आपका यहाँ पे जो वो JTO के लिए आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका रिटन टेस्ट रहेगा। टेंटेटिव डेट आपको दी गई है February 2022 में आपका JTO का डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर रहेगा Level 2 का। बाकी यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका रहेगा, नेम ऑफ द पोस्ट आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की रहेगी, इसमें पे स्केल 35,400 रुपीज आपका रहेगा। नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी, टोटल वैकेंसी 9 रहेंगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है हिंदी विद इंग्लिश एंड इंग्लिश विद हिंदी आपकी रहेगी। इसमें एज आपकी 18 से 28 रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट रहेगा Level 1 एंड Level 2 का। Level 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा जनरल हिंदी इंग्लिश, उसके अलावा इंटेलिजेंस रीजनिंग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन रहेंगे। बाइलैंगुअल पेपर रहेगा, 2 आवर्स का पेपर आपका रहने वाला है। मिनिमम पास मार्क्स जो आपके रहेंगे 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड ओबीसी के लिए 40% एग्रीगेट मार्क्स आपके दिए गए हैं। Level 2 का जो आपका एग्जाम रहेगा इसमें आप चेक कर सकते हैं, जो आपका Paper 2 रहेगा वो आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा, जिसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें ट्रांसलेशन रहेगी पैराग्राफ्स की 250 आपके वर्ड्स में, 25 मार्क्स के ये आपके पेपर्स रहेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। Paper 2 में आपको मैंने ड्यूरेशन आपको बता दी है, ये सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा वो आपके दोनों के पेपर के बेसिस पे रहेगा, पेपर Level 1 एंड Level 2 एंड डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर नंबर आपका जो भी रहेगा उसके बेसिस पे आपका रहने वाला है। नेम ऑफ द पोस्ट आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की रहेगी, 35,400 सैलरी आपकी रहेगी। Level 6 का पे स्केल रहेगा एंड यहाँ पे भी आपकी जो नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी, टोटल 38 पोस्ट रखी गई हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट आप पास होने चाहिए एंड उसके अलावा आपका यहाँ पे जो रहेगा 18 से 27 एज रहेगी। इसके अलावा जो आपका पेपर रहेगा वो आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा, इन दोनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाना है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सिलेक्शन देख सकते हैं जो फिजिकल टेस्ट आपका रहेगा। उसके अलावा जो आपकी थर्ड पोस्ट रहने वाली है वो आपकी सिक्योरिटी गार्ड के लिए रहेगी, इसमें 18,000 सैलरी आपकी रहेगी। नॉन गेजेटेड आपकी पोस्ट रहेगी कैटेगरी सी की, इसमें 274 आपकी वैकेंसी रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी 10th पास होनी चाहिए एंड डायरेक्ट रिजल्ट आपका रहेगा एक्स सर्विस मैन के लिए। बाकी 10th स्टैंडर्ड पास जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। 18 से 27 एज रहेगी। फिजिकल टेस्ट रिटन टेस्ट यहाँ पे रहेगा एंड इसमें भी आपका फिजिकल टेस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपकी 160-170 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट रहेगी, 150 सेंटीमीटर आपकी फीमेल के लिए। बाकी आपका जो यहाँ पे रनिंग रहेगा वो भी आपको यहाँ पे दिए गए, पुशअप कितने रहेंगे यहाँ पे, सिटअप कितने रहेंगे, ये सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर के लिए 200 रुपीज, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 200 रुपीज एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 रुपीज रहेगी। इसमें पेमेंट ऑफ मोड रहेगा वो आपका यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑनलाइन मोड से रहेगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपका पेमेंट मोड है वो भी आपका यहाँ पे 17/11/2022 तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं। कुछ पेंडिंग बचा हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका कंप्लीट नोटिस भी आपको जो वो एक आध दिन में आ जाएगा, या अभी जो वो न्यूज़ आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसका कटिंग आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं आपको ये सारी डिटेल बता रहा हूँ, जो भी आपका 29 से लेके आपका 4 नवंबर का आपका यहाँ पे जो आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, उसका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स आज की अपडेट में सिर्फ इतना ही। अपडेट इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।